हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं और अब जाके मेरा वीडियो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन। ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ मैं। अभी यहाँ का मौसम तो आप लोग देख सकते हैं कैसा हो रखा है, बारिश आने के लिए हो रखा है। आजकल यहाँ डेली बारिश हो रही है, तो मतलब अभी भी बारिश होने वाली है, कुछ देर में बारिश शुरू हो जाएगी। और तो चलिए एक बार ट्यूशन जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ट्यूशन से घर आ गई हूँ और मैं अभी अंजलि लोगों के घर पे आ रखी हूँ और यहाँ श्यामसुगढ़ से ससुर जी आ रखे हैं, यानी मेरे गांव से ससुर जी आ रखे हैं। यहाँ पे कंडी बना रहे हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में तो मलखनी बोलते हैं और सब कंडी बोलते हैं। कंडी बोल रहे नहीं है, कंडी बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी ये कैसे बनाते हैं कंडी। ये ससुर जी ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जो नीचे का हिस्सा होता है वो पहले ही बना दिया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई, और ये अब ऊपर का हिस्सा बना रहे हैं। ससुर जी तुम भी बोला दू कथा मेहनत लग दी, पर कथा टाइम लग दू कथा मेहनत लग दी। हाँ, मतलब कथा कथा घंटा में बन दू अमल खुन लगभग 4 घंटा में लगातार काम करने पर 4 घंटा। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे ससुर जी ने बताया कि इसको बनाने में लगभग 4 घंटे 3-4 घंटे लग जाते हैं और इस पर बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ये जो रिंगाल है एक बार छीलनी पड़ती है और फिर इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जब बेचने के लिए बनाते हैं तो ये लगभग 300-350 के आसपास बिक जाता है आसानी से। और हमारे पहाड़ों में तो लोग अपने घरों में ऐसे ही बनाते हैं अपने लिए, और जो नहीं जानता है गाँव में इधर उधर लोग बना के दे देते हैं। और साथ में जो ये रिंगाल है ना, इसको तो लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लगभग एक पूरा दिन लग जाता है इसको लेने में। और ये लोग खुद जाते हैं लेने के लिए रिंगाल, और रिंगाल लेके आते हैं और स्वयं सॉल्टी और मलखनी बनाते हैं। ठीक अपना कंडा यही हाँ, ना यो 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 अच्छा अच्छा हाँ जरा चोड़ू ना हाँ अच्छा बोला तू बोल कुछ नहीं मैं बहुत जानू। अच्छा ससुर जी तो घर जाने लग गए हैं और ससुर जी ने इतना बना के दे दिया है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये बना के दे दिया है। और बनाएंगे हाँ, शुरुआत ससुर जी ने कर दी है और अब ऐसे ही बनाना है, सेम बनाना है ऊपर तक, वो सेम प्रोसेस रहेगी। तो इन्होंने छोड़ दिया है कि ये खुद बनाएंगे। अब अभी टाइम नहीं है, ये धीरे धीरे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अच्छा आराम से, हाँ उतार ली कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, और टूटेगा नहीं कुछ नहीं, बस अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजलि के घर में तो 2 बकरियां आ गई हैं, और भी आई ऊपर से? नहीं नहीं आई भाभी। अच्छा ये 2 बकरियां शायद घर ही में रहती है ना, क्यों किले रखे तुम नहीं घर में? यो ए भाभी ना यो तो हमर पल्ले पर छोटा रे यो वो डाले बोलो छो हां हम वो ना ठे दियो ला हां अरे यो ऊपर से आए। अच्छा ये आजकल बुग्याल से आया है ये वाला बकरा। खाओ खाओ घास खाओ। अब मैं जाती हूँ घर अंजलि, ठीक है बाय बाय। ठीक है ए बार ना चाहती यार। अंजलि ने तो यहाँ ना स्वर्टी भी बना रखी, लेकिन इसने स्वर्टी नहीं दिखाई, इसके पापा ने बना रखी है स्वर्टी। डेबरा में रख दी बोला सच बात है सच यहाँ पे रख ना से तब मैं तो वहीं मने ना ना पहले वहीं मेरे ने माँ मंगा ला तो